नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत है और मैं राज कपूर हो गया हूँ। पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, स्पेशली मानव जो राज कपूर जो बने उनका किरदार प्ले कर रहे हैं, और स्पेशली बहुत सारी शुभकामनाएं ब्रेंडेक्स टीम को, अर्पित जी को और आशा जी को, और जो प्रोड्यूसर हैं मुकेश जी को जो मेरे भाई जैसे हैं, तो उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मूवी को देखें, और क्योंकि देखा जाओ तो टाइटल हीरो है इस पिक्चर का, तो जितने भी लोग राज कपूर जी से प्यार करते हैं उन्हें एक बार ये पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो सबसे पहला तो यही होता है कि क्या नया लेकर आ रहे हैं, तो क्योंकि इतना कंपटीशन है। तो जैसे ये जो फिल्म है, सबसे नया तो यही है कि ये जो हमारे दिल के बहुत करीब है कि राज कपूर साहब जो है, तो वैसा उस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, उस तरह का ये कुछ नया पोस्टर हमें देखने को मिला है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको उसमें ज़रूर बहुत कुछ यूनिक सा मिलेगा, जो हमेशा हम लोग अभी सोचते हैं कि हमें कुछ यूनिक मिले, बिकॉज सेम हम लोग देख ही रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं पूरी टीम के साथ में और आप सभी के साथ में। जी, मैं अभी एक वेब सीरीज़ हम लोगों का चल रहा है ऑनलाइन 24/7, तो वो अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और ये सब हो रहा है उस पर वो है फिल्म, सॉरी वेब सीरीज़ उस पर बनी हुई है। और उसके अलावा भी मेरी और भी वेब सीरीज़ एक और आ रही है अर्थात, और हम लोग अभी फरवरी में भी एक और करने वाले हैं, वो मतलब जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर था तो उसमें पूरे मेल गैंगस्टर थे, तो एक वेब सीरीज़ जो आ रही है इसमें सारी फीमेल गैंगस्टर है और उन फीमेल गैंगस्टर के ऊपर एक कॉप है जो मैं प्ले कर रही हूँ, तो अभी वो बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। थैंक यू। तो आज राज साहब का बर्थडे है, और सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर, शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री राज कपूर साहब। हमें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक जनरेशन के बाद हमने उनके साथ इस फिल्म के ज़रिए काम कर लिया। जब हमारे पास ये फिल्म आई और मैं राज कपूर हो गया और राज साहब को ट्रिब्यूट की गई फिल्म, तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली हम राज साहब के साथ जुड़े, पूरी इंडस्ट्री राज साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो अच्छा कंटेंट है, एक मुकेश जी ने प्रोड्यूस की है फिल्म, तो ब्लैंडेक्स एंटरटेनमेंट फिल्म को रिलीज़ कर रही है, एंड वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। फिल्म 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, फिल्म का अच्छा म्यूज़िक है, आप देखिए। मानव सोहल जी ने फिल्म डायरेक्ट की है, वो खुद एक्ट भी कर रहे हैं फिल्म में, और उन्होंने अच्छा काम किया है और कोशिश की है फिल्म से लोगों को कनेक्ट करने की, तो हम उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं एंड हम उनको सपोर्ट करते हैं ऐसे कंटेंट को। पहले भी हमने कहा था कि ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट कंटेंट को सपोर्ट करेगी और थिएटर तक लेके आएगी, सो वी आर डूइंग। थोड़ा सा बोल दिए सर फिल्म के बारे में, एक ही बात है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म बहुत ही इमोशनल बनी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जब 17 फरवरी को रिलीज़ होगी आप लोग देखेंगे तो आपको होपफुली बहुत अच्छी लगेगी। पिक्चर बहुत अच्छी है, एक बार देखिए सब। कैमरे में सर बोल दीजिएगा, काफ़ी अच्छी पिक्चर बनाई है, देखिए एक बार सर, फिर आगे तो आप लोग बताएंगे कैसी है। हाँ, इनसे पूछिए। हाँ बताओ। बोलो यस मैडम। फिल्म देखी हम लोगों ने तो फिल्म अच्छी लगी। हाँ, और बस मानव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सर सपोर्ट कर रहे हैं और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्ट हो रही है जर्नी, बताएंगे। अरे यूँ कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं किस तरह की फिल्म होने वाली है, आप लोगों के किरदार के बारे में बताएं।
Basically, this is the story about a huge fan of Mr. Raj Kapoor. He lives in slum area. और ये कहानी राज कपूर साहब की लाइफ पे नहीं है, जैसा कुछ लोगों को शायद लगता है फिल्म के पोस्टर के टाइटल को देखकर, बट इट्स स्टोरी अ फैन जो राज कपूर साहब को फैन मानता है, उसकी लाइफ की स्टोरी है, जिससे हमने रियल लोकेशंस पे और स्लम्स में शूट किया है। और इस फिल्म में रिलेशन, इमोशन, लव और जो रिलेशनशिप आज चली गई है समाज से कि लोग एक दूसरे के लिए, रिश्तों के लिए कुछ खास महत्व नहीं देते, उस इम्पोर्टेंस को मैं इस फिल्म में लेके आया हूँ। और मैंने ये फिल्म दिमाग से बिल्कुल नहीं बनाई, क्योंकि ब्रेन यूज़ करता तो शायद मेरी ये फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो पाती, क्योंकि लोग जब ब्रेन यूज़ करते हैं तो पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, स्टार कौन से होंगे, ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, बिकेगी कैसे। मैंने वो सब मसाला इसमें नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसको दिल से बनाया। और मेरी कोशिश है कि अगर लोगों के दिलों तक ये फिल्म पहुंच गई और उन्हें अच्छी लगी तो मेरे लिए बस वही सबसे बड़ी चीज़। ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर ये बोलेंगी। ये है हमारी नरगिस फिल्म में, और जब आप देखेंगे फिल्म तब आपको समझ में आएगा। और ये भी हमारी नरगिस ही हैं फिल्म में, तो एक राज कपूर है, दो नरगिस हैं, ये कैसे है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। आपको कुछ कहना है? मेरा जो कैरेक्टर एक्चुअली मैं नरगिस का नहीं, मतलब उनके एंगल से मैं नरगिस हूँ उसका निभा रही हूँ। और बहुत ब्यूटिफुली मूवी है, लोअर मिडिल क्लास में मैं रहती हूँ और बहुत ब्यूटिफुली शॉर्ट मूवी है, वो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो या इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल। मैं यहाँ पे एक लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही चैलेंजिंग है, मेरे लिए बहुत ही नयापन है। और मैंने बहुत दिल से काम किया है, हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से काम करवाया है हमसे, और मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी। और फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन नरगिस है और कौन क्या है। अच्छा।